हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एट होम। बेटा देखो, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 10 झांसी की रानी कविता है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये कविता बहुत बड़ी है, तो ये 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट होगी हमारी, एक वीडियो में तो होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा रही हूँ उतना ध्यान से पढ़ते जाना और समझते जाना बेटा। ठीक है, ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है। और इस कविता में क्या है कि पहले हमारे देश पर जो है अंग्रेजों का शासक था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे कैसे उनका सामना किया और कैसे सामना करती उनकी वीरगति को प्राप्त हुई, इसके बारे में बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो बचपन से ही वीरांगना थी। वीरांगना मतलब जैसे वीर, जैसे पुरुष के लिए वीर आता है तो स्त्री के लिए वीरांगना कि कहते हैं ना वीर पुरुष, ऐसे ही वो वीरांगना थी। वो एक अच्छे बाल्यकाल से उनको इन सब चीज़ों के शौक थे, तलवार, कटार, ढाल, बर्छी, इन सब चीज़ों से ही वो खेला करती थी। मतलब उसको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था और वो युद्ध करने में इन सब चीज़ों का शौक रखती थी, इन सब में माहिर थी। तो इसी के ऊपर ये कविता आधारित है जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। तो ध्यान से आप सुनिएगा। देखो, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश पर शासक करते थे, अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित थे, यानी कि जो हमारे देश के लोग थे वो बहुत चिंतित थे, बहुत चिंता में हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश की पर जो है गलत नीतियों से शासन कर रहे थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की बोहें क्रोध से तन गई। बोहें यानी कि जो हमारी आंखों के ऊपर होते हैं ना बोहें, इनको कहते हैं बोहें। उनके शोषण से, उनके अपमान से जो राज परिवार थे उनकी बोहें क्रोध से तन गई। ठीक है, वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था। कहते हैं ना गुमी आजादी कीमत सब, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश आने लगा था। यानी कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, वर्षों की गुलामी जिसमें बूढ़ा और कमजोर कर दिया, उसमें भी जवानी का नया जोश आने लगा था। दूर फिर गुमी हुई आजादी कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबको अपनी खोई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा और सबने निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि जब सन 1857 की लड़ाई हुई तो पुरानी तलवारें भी चमक उठी, जिन्होंने जिनकी तलवारें अंदर दबी हुई थी उनकी तलवारें भी बाहर निकल गई और चमकने लगी। सब ने अपनी तलवारों को चमका दिया। मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी। यानी कि वो स्त्री उन मर्दों के साथ उनके बराबर लड़ी जो झांसी की रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के वासी हमें उनकी कहानी सुनाया करते हैं कि वो जो मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी, वो कैसे मर्दों के साथ उनके कंधों से कंधा मिलाकर कैसे वो युद्ध में उनके बराबर खड़ी थी। ठीक है, आगे है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। ठीक है, और कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे, अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर थी, वह नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही वह
खेलती थी। उसकी दोस्ती केवल किससे थी? बर्ची, डाल, कृपाण, कटारी, उसकी यही सहेली थी, ये उसकी दोस्त थी, वो इन्हीं से दोस्ती रखती थी। ठीक है, और इसी इन्हीं से बचपन से वो दोस्ती रखती थी, तभी वो एक अच्छी युद्ध करने वाली स्त्री साबित हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा वीर शिवाजी की, वीर शिवाजी की गाथाएं सब उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद है कि शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी। बुंदेलवासी यानी कि बुंदेल के जो बुंदेल के जो लोग थे, बुंदेलवासी कहते थे कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी, जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी। ठीक है, आगे है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार। यानी कि यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं